कल कड़कड़ूमा कोर्ट में भी किसानों के समर्थन में रैली निकाली थी। एक तरफ किसानों को 2-4-5 लाख रुपए का लोन होता है, नहीं चुकाया जाता, उनके नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं, किसान फांसी लगाकर मर जाता है, और एक तरफ आप देखते हो कि पूंजीपतियों के हजारों करोड़ का लोन माफ़ किया जाता है। और जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, हम उनके समर्थन में हैं। उनकी जो मांगे थी, जो सैकड़ों लोगों की जान गई थी कोरोना के दौरान, उस शहादत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए और इनकी MSP की मांग को पूरा करना चाहिए। जयंत चौधरी जी के तो दादाजी को भारत रत्न मिला है, वो इसलिए उनके समर्थन में चले गए हैं। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्ते। इस वक्त मौजूद हूँ 30,000 कोर्ट में। लगातार जो है किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और यहाँ पे वकील जो है वो सड़कों पे उतर गए हैं किसानों के समर्थन में। अब यहाँ पे देखना यह है कि जो किसान के समर्थन में वकील उतरे, क्या ये राजनीति करने उतरे हैं या क्या वो सही में उनको हक न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उतरे, सीधे तौर पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुँच चुकी है, आप लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। हम लोग किसानों के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। कल कड़कड़ूमा कोर्ट में भी किसानों के समर्थन में रैली निकाली थी। और ऐसा कोई कानून नहीं है कि दिल्ली की सीमाओं पर उनको रोक दिया गया है। आप जब से देश आज़ाद हुआ है और केंद्र सरकार बनी है, आप देखिए हमेशा बोट क्लब पर, राजघाट पर, रामलीला मैदान पर कार्यक्रम होते रहे हैं और उनकी मांगे सुनी जानी चाहिए। किसान हमारे देश के नागरिक हैं। देश को, केंद्र सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि उन्हें बोट क्लब पर, राजघाट पर या रामलीला मैदान पर, कहीं भी दिल्ली में बुलाकर जंतर मंतर पर उनकी बातें सुननी चाहिए। और उनकी जो मांगे थी, जो सैकड़ों लोगों की पिछले आंदोलन में जान गई थी कोरोना के दौरान, उस शहादत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए और इनकी MSP की मांग को पूरा करना चाहिए। वो अपने जो खेत की पैदावार है, जो वो खेती पैदा करते हैं, उसके मूल्य के लिए ही तो आ रहे हैं। एक तरफ किसानों को 2-4-5 लाख रुपए का लोन होता है, नहीं चुकाया जाता, उनके नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं, किसान फांसी लगाकर मर जाता है, और एक तरफ आप देखते हो कि पूंजीपतियों के हजारों करोड़ का लोन माफ़ किया जाता है, हजारों करोड़ रुपए का लोन जो है माफ़ कर दिया जाता है, जो उन्हें नहीं देना पड़ता। तो इस देश को, इस केंद्र सरकार को किसानों को ध्यान देना चाहिए, किसानों पर ध्यान दे करके उनको दिल्ली आने देना चाहिए। और जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, हम उनके समर्थन में हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली आने देना चाहिए। दिल्ली आने देना चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप उन्हें बाउंड्री पे रोकेंगे। तो ऐसे आपने बैरिकेड लगा दिए, वो तो गलत लगाए हैं। सरकार बोल रही है कि जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं, ये हिंसा ना आगे बढ़े। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, कोई मेरे कहने से नहीं हो जाता। पूरे देश में गुरुद्वारों में आप देखिए, हमेशा लंगर चलाए जाते हैं और हमेशा पूरे साल चलाए जाते हैं। और ये लोग कार सेवा करते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग गाड़ियों से उतर के जूते साफ करते हैं, और कोरोना काल में इन्होंने कितनी सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आज वही सिख हमारे लोग किसान के रूप में आ रहे हैं, तो उनको आतंकवादी या दंगाई या उनको गलत कर, क्या जरूरत है क्योंकि उतरने की, सड़कों पे उतरने की संगठन सर बहुत है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। सुने, वकीलों ने ही देश आजाद कराया। महात्मा गांधी जी भी वकील थे, नेहरू जी भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू जी भी वकील थे, सरदार पटेल भी वकील थे। वकीलों ने हमेशा देश हित में आंदोलन किए हैं। जब जब देश में अन्याय हुआ है, वकीलों ने सबका साथ दिया है। और हम भी जो है किसान की औलाद नहीं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं या किसान राजनीति की तरफ? ना हम राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, ना किसान राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देश हित में किया जा रहा है, देश हित में आंदोलन किया जा रहा है। देश हित में आंदोलन, किसान कहाँ थे बेटा? हमारे पिताजी भी किसान थे, हमारे दादाजी भी किसान थे, आपके भी दादाजी परदादाजी किसान रहे होंगे। हाँ, हमारा कृषि प्रधान देश है। क्यों दो साल में क्यों आंदोलन, वकील क्यों नहीं उतरे? 2021 के बाद जब अंतराल हुआ था, तब क्यों नहीं उतरे? ना इंसाफी के खिलाफ उतरे हम। हाँ, जब उनके साथ ना इंसाफी हो रही है, केंद्र सरकार को चाहिए वो उन्हें चुपचाप शांति पूर्वक दिल्ली में आने दे। हम उनके समर्थन में सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया
चौधरी कह रहे कि अगर दिया गया एमएसपी तो जयंत चौधरी जी के तो दादाजी को भारत रत्न मिला है, वो इसलिए उनके समर्थन में चले गए हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन वो भी किसानों को एमएसपी दिलवाना चाहते हैं, लागू करवाना चाहते हैं। उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि एमएसपी नहीं लागू हो। लेकिन हरियाणा पंजाब कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कोर्ट में कि बिना परमिशन के आ रहा है। नहीं, ये इतने पहले से सब तय था, कोई बगैर परमिशन के नहीं आ रहा। सरकार के सामने सब कुछ है, सरकार को इसमें सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाना चाहिए और अच्छे ढंग से उनका उनको बुला के बैठा करके उनकी बात सुननी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।